हेलो गाइस, माय नेम सचिन कौर एंड आई एम द टीचर फॉर बायोलॉजी फ्रॉम पीबीसी ग्रुप। क्लास 11th की क्लासेस हैं बेटा ये, और 11th में हम पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है, और इसका नाम क्या है, द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड, मैंने आपको बता दिया कि बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी, हु इज़ द फादर ऑफ बॉटनी, हु इज़ द फादर ऑफ जूलॉजी, ये सब आप पढ़ चुके हैं। सेल के टाइप हमने पढ़ लिए हैं, बेसिक चीज़ें हैं। अब हम इसके नोट शुरू कर रहे हैं आज से। तो लिविंग वर्ल्ड में सबसे पहला आता है आपके, यानी कि वाट इज लिविंग, कि लिविंग क्या चीज़ें होती हैं। तो आप सिंपली आंसर दे सकते हैं किसी भी बंदे को कि लिविंग क्या होते हैं, कि दोज ऑर्गेनिज्म विच शोज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग और लाइफ, दैट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो भी जीवन के करेक्टर्स को शो करते हैं वो सब लिविंग कहलाते हैं। अब क्या करेक्टर्स हो सकते हैं, आप अगला हेडिंग लिखेंगे बेटा, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स। यानी जो लिविंग्स हैं उनके करेक्टर्स क्या हैं, तो मैंने कुछ बताया था आप करेक्टर्स क्या होते हैं। सिंपल फर्स्ट क्या है, ग्रोथ। जो लिविंग है वो भी ग्रोथ शो करते हैं, ठीक है। हालांकि कुछ जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि सर जो नॉन लिविंग है जैसे कि आपका माउंटेन्स हैं वो भी ग्रोथ शो करते हैं, जैसे उन पर लगातार मान लो 10-5 साल हो गए तो उस पर डस्ट जमा होती रहेगी, उस पर कुछ भारी पार्टिकल्स रेत मिट्टी सब जमा हो जाएगा तो उसकी साइज बढ़ जाएगा। सर ग्रोथ तो वहाँ पर भी हुई है, हाँ हुई है, बट ये जरूरी है, मतलब कि जो एक बार को वो माउंटेन्स ग्रोथ शो करे या ना करे, बट जो आपका लिविंग है वो ग्रोथ शो करेगा ही करेगा, ठीक है। दूसरी चीज, ग्रोथ के बाद में क्या बताया था हमने आपको, लोकोमोशन। लोकोमोशन मींस जो लिविंग होते हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं, ठीक है, लोकोमोशन करते हैं। नंबर थर्ड हमने क्या बताया था आपको, रिप्रोडक्शन, यानी कि लिविंग जो होते हैं वो अपने जैसी संतानें पैदा कर सकते हैं, ये करते ही करते हैं। अब मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि ऐसा नहीं है कि हर लिविंग संतानें पैदा करने में सक्षम हो, ऐसा नहीं है, वो कैपेबल नहीं हो सकते, लेकिन हाँ हर जो संतान पैदा कर रहा है वो लिविंग है, क्लियर गाइस। नंबर चौथा हमने बताया था आपको मेटाबॉलिक रिएक्शन, दिस इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ, मेटाबॉलिक या मेटाबॉलिज्म लिख दो, मेटाबॉलिज्म। तो ये क्या है, इसमें क्या होता है, दो तरह की रिएक्शन होती हैं। पहली होती है बेटा एनाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, और दूसरा होती है कैटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। अब एनाबॉलिक का मींस क्या है, यानी कि ये सारी चीज रिएक्शन जो होती हैं ये होती हैं आपकी फॉर्म सिंथेटिक रिएक्शंस कहलाती हैं। सिंथेटिक माने कुछ नई चीज बनाना, कुछ नई चीज फॉर्म करना, इसे बोलते हैं सिंथेटिक रिएक्शंस। जैसे कि आप प्लांट्स के अंदर देखते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं बेटा, जमीन से वाटर लेते हैं H2O, आपने जो CO2 छोड़ी है उसको लेते हैं, एयर से CO2 ले लेंगे, और सनलाइट की हेल्प से और क्लोरोफिल की हेल्प से वो क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा रिएक्शन उनकी, आप लिख सकते हैं एनाबॉलिक की, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 प्लस 12 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ऊपर क्या लिखेंगे आप यहाँ पर सनलाइट, और नीचे क्या लिखेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ पर होता है, प्लांट्स में होता है, प्लांट सेल में होता है, मैंने बताया आपको क्लोरोफिल होता है हरे रंग का, तो क्लोरोफिल। तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा नीचे आके, वो बनेगा ग्लूकोज, वो होता है C6H12O6। ये क्या है, ये आपका ग्लूकोज बन गया है, और साथ में क्या बनेगा, 6 मॉलिक्यूल्स O2 बनेगा ऑक्सीजन, और साथ में 6 मॉलिक्यूल वाटर के बनेंगे, समझ पाए। तो ये क्या हो रहा है कि सिंपल मॉलिक्यूल से एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो दैट मींस दिस इज द एनाबॉलिक रिएक्शन, और वी कैन से सिंथेटिक रिएक्शन, समझ पाए मेरी बात को। वहीं इन द केस ऑफ कैटाबॉलिक रिएक्शन, दिस इज द अपोजिट ऑफ एनाबॉलिक रिएक्शन। मतलब कैटाबॉलिक में क्या होता है, एनाबॉलिक के जस्ट उल्टा काम होता है। एनाबॉलिक में तो सिंपल से एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन रहा था, बट कैटाबॉलिक में एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा। तो यही जो ग्लूकोज है, आप लोग खाते हो ना ग्लूकोज रोटी के फॉर्म में या दूध के फॉर्म में, C6H12O6 अगर आपने लिया है, अगर मैं इसको O2 से मिला दूं, O2 मतलब जो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन बाहर से, O2 इससे मिलेगा तो इसमें क्या बनेगा, इससे बनेगा बेटा आपका 6 मॉलिक्यूल CO2 बनेगा जो आप सांस द्वारा बाहर छोड़ देते हैं बॉडी से, प्लस 6 मॉलिक्यूल H2O बन जाएगा, पानी बन जाएगा, और आपकी एनर्जी बनेगी ATP। ये क्या होती है, एनर्जी की फॉर्म होती है। ATP का मीन्स होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है बेटा। तो ये मेटाबॉलिज्म जो है ये बेटा डिफाइनिंग फीचर है, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ है, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो लिविंग है, सिर्फ उन्हीं के अंदर मेटाबॉलिज्म हो सकता है और किसी के अंदर नहीं हो सकता, समझ मेरी बात को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर ऑफ लिविंग इज मेटाबॉलिज्म, क्लियर गाइस। और इसके बाद में एक और लिख लें आप,
दैट इज अगला जो पॉइंट है, अगला करेक्टर क्या है, होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस, एच ओ एम ई ओ एस टी ए एस आई एस, होम्योस्टेसिस। ये क्या होता है कि जो भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को जो आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट करके रखता है, अडेप्टेशन करके रखता है। जैसे कि मैं बताऊं, जहाँ पे बर्फ पड़ती है वहाँ पे भालू रहते हैं, पोलर बियर्स, तो उनके बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी जो बॉडी की एनर्जी है, जो गर्मी है, जो हीट है, वो बाहर ट्रांसफर ना हो पाए, और जो बर्फ वगैरह है, आइस वगैरह है, वो उनके बालों में पड़े और बॉडी पे ना टिक पाए और नीचे गिर जाए। समझ पाए मेरी बात को? तो ये क्या होता है, होम्योस्टेसिस कहलाता है। मैं आपकी ही बात लगा के चलूं बेटा, अगर जैसे कि आप लोग दौड़ना शुरू कर दो अभी, तो क्या होगा, दौड़ने के लिए क्या चाहिए? देखो, आपके पैरों को चाहिए एनर्जी, और एनर्जी कहाँ से आएगी? एनर्जी आएगी भैया यहाँ से, आपकी बॉडी में ये जो रिएक्शन हो, कैटाबॉलिक रिएक्शन, आपने खाया खाना ग्लूकोज, तो वो आपने सांस ले लगातार, तो अब सिक्स मॉलिक्यूल O2 है, O2 की डिमांड बढ़ जाएगी, तो आपका जो हार्ट है ना, जो हृदय है हार्ट, वो लगातार तेज हो जाएगा, पंप उसकी तेज हो जाएगी, हार्ट बीट तेज होने से क्या होगा, आप जल्दी जल्दी सांसें लेंगे, ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन लेंगे, वो O2 कहाँ जाएगी, आपकी जो खाया पिया है बॉडी में ग्लूकोज उससे जाके मिलेगी, मिलने से क्या होगा, CO2 फॉर्म होगी, जिसे आप निकालते भी रहते हैं साथ के साथ, पानी बनेगा और ATP बनेगी, और ATP क्या होती है, एनर्जी के रूप होता है, एनर्जी की फॉर्म होती है, जो कि आपको चाहिए लगातार आपको दौड़ने के लिए। और जैसे आप दौड़ना बंद कर देंगे ना, तो आपका ये सारा को सिस्टम नॉर्मल हो जाता है, आपकी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाएगी, और आपकी ATP मतलब कम बननी चाहिए, तो कम ATP और कम O2 वगैरह चाहिए उसको। समझ पाए मेरी बात को? तो ये होता है, तो होम्योस्टेसिस क्या होता है कि आउटर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने बॉडी को अडेप्ट करके रखना ही होम्योस्टेसिस कहलाता है। समझ पाए मेरी बात को? तो एक ये हो गया। तो अब आपको क्या लिखना है, सिंपल आपको आगे जो लिखना है, आप ये कुछ करेक्टर्स हैं मेन जो मैंने आपको लिखवा दिए, होम्योस्टेसिस वगैरह। अब इसके बाद में आपको हेडिंग है, डिफरेंस बिटवीन किस किस में, लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग, आपको लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस करना है। तो आपको बेटा बीच में लाइन खींचनी है, और ये आपको लिखना है लेफ्ट हैंड में लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इधर लिखना है नॉन लिविंग लिखना है, ठीक है। और ये आपका होमवर्क है, आप लोग कहीं से भी मोबाइल से या फिर अपने किसी को उससे लिख सकते हैं। अगर किसी के पास कोई दिक्कत हो तो मैं कल आपको आके बता ही दूंगा कि इसमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं। बेटा नोट्स अभी बनाने शुरू कर दें, जो मैं बता रहा हूँ मेरी वीडियो को ध्यान से सुनो, उसे समझो, और अपने वर्ड्स में आप उसको लिख के रखो, क्योंकि आप अपने वर्ड्स में लिखोगे, अपने हाथ से लिखोगे, तो आप कभी भूलने वाले नहीं हो। थैंक यू बेटा।